सो हे गाइज, कैसे हो सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ गूगल प्ले बैलेंस को अपने पेटीएम वॉलेट या अपने अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करती हैं। क्योंकि यहाँ पर आप लोग को मैं दिखा दूँ, यहाँ पर हमारा आप लोग देख सकते हो 180 रुपये गूगल प्ले बैलेंस में पड़ा हुआ है, जो कि मैंने जानबूझ कर ऐड किया था। बट बहुत सारे बंदों का जो जानबूझ कर ऐड नहीं होता है, मतलब ऑटोमेटिक वो गूगल पे में ऐड करते हैं बट गूगल प्ले में ऐड हो जाता है। तो इसको बैंक में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, यहाँ से कैसे मतलब अपने पेटीएम वॉलेट में या फिर बैंक में कैसे लेते हैं, ठीक है? तो आज की इस वीडियो के अंदर प्रॉपर इसी के बारे में बताऊँगा। कंप्लीट नॉलेज देखने वाला हूँ कि कैसे ट्रांसफ़र होगा, जो कि यूट्यूब पर आप लोग 75 वीडियोज़ देख लोगे, बट उसमें ये जेन्युइन तरीका नहीं बताया गया, उसमें बस आपको टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है? तो ये वीडियो को एंड तक देख लीजिए, इसमें मैं उसके बारे में बताऊँगा, पूरा राज खोलने वाला हूँ कि कैसे आखिर ट्रांसफ़र होता है, तो आखिर कैसे होता है, ठीक है? चलिए वीडियो को सीधा स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियोस को हमारे लाइक नहीं कर, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर अभी सब्सक्राइब कर दो। चलिए वीडियो को सीधा स्टार्ट हम कर लेते हैं। सो गाइस, तो सबसे पहले हम टॉपिक पे आ जाते हैं, इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं गूगल प्ले बैलेंस का। तो देखिए, आप लोग कोई सा भी गेम खेलते हो, फ्री फायर खेलते हो या फिर पबजी खेलते हो, तो उसमें आप लोग जैसे तो कलेक्शन वगैरह वगैरह आपको कुछ भी बाय करना होता है, तो उसके लिए पैसे ऐड करने मत। जैसे फ्री फायर में आप डायमंड अगर बाय करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले रेडियम कोड रिडीम करवाना पड़ेगा, उसके बाद रेडियम से अभी आप खरीद सकते हो डायमंड, ठीक है? बट आप लोग अब फ्री फायर छोड़ दियो, मतलब कि आपका पैसा जो है फंस चुका है, एक तरीके से इसमें अटका हुआ है, जो कि ये एक्सपायर भी हो जाएगा अगर आप लोग इसको विड्रॉ नहीं करोगे, निकालोगे नहीं यहाँ से, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ कैसे बैलेंस निकलेगा। देखिए, सबसे पहले बता दो, इसका गूगल प्ले का जो बैलेंस है वो बैलेंस फ्रेंड आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होगा। ट्रांसफ़र होगा वो किस प्रकार होगा, चलिए मैं उसको बताता हूँ। तो ये गूगल प्ले बैलेंस आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा, उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, चलिए यहाँ पर मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद यहाँ पर मैं यूट्यूब अप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यूट्यूब अप्लीकेशन को मैं ओपन कर रहा हूँ। उसके बाद इसका गूगल प्ले बैलेंस का आपको यूट्यूब में ही यूज करना है। यूट्यूब पे यूज करके आप लोग यहाँ पर इसका पैसे जो है ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैं माइंडर शिवम यहाँ पर मैं अपना चैनल का नाम डालता हूँ। आपका कोई फ्रेंड का चैनल हो या फिर अगर किसी का भी चैनल हो, तो वो पैसे आपको चैनल ट्रांसफ़र कर देने हैं। जिससे यहाँ पर देख सकते हो, आप लोग मेरे चैनल पर ट्रांसफ़र करके मुझसे कॉन्टैक्ट करके पैसे ले सकते हो। सबसे पहले मैं दिखा दूँ कैसे करना है। यहाँ पर चैनल पर आना, चैनल पर हमें मेरा चैनल दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा, तो ज्वाइन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जितना पैसा पड़ा हुआ, जैसे यहाँ पर मैंने बना रखा है 119 रुपये से लेके यहाँ पर देख सकते हो 199 रुपये, अगर आपका 200 रुपये फंसा है तो यहाँ पर ज्वाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद आपके गूगल प्ले बैलेंस में जितना पैसा रहेगा, यहाँ पर आपको सब्सक्राइब पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा यहाँ पर देखो, यहाँ पर सब्सक्राइब करो तो जितना आपका पैसा रहेगा यहाँ पर हमारे पास चला आएगा, उसके बाद हमसे कॉन्टैक्ट करके अपना बैलेंस हमसे ले सकते हो। यही एक तरीका है पैसे रिसीव करने का, ठीक है? यहाँ पर देख सकते हो, ज्वाइन करना, उसके बाद सिंपल जितना आप भेजोगे उतना आप हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके हमारा हमसे पैसा ले सकते हो, ठीक है? यहाँ पर आप लोग दे सकते हो, ठीक है? तो कुछ इस प्रकार आप अपने बैलेंस को, गूगल प्ले बैलेंस को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हो। वैसे कोई और कोई चांस नहीं है आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आए, ठीक है? बाकी वीडियो पसंद है, वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब भी कर देना, ऐसी वीडियोस हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। चलिएगा, आज के वीडियो में बस इतना ही।